क्या आपके जॉइंट से भी ऐसा आवाज आता है? अगर आता है तो क्यों आता है? क्या आपको ये बात पता है? चलिए जान लेते हैं क्यों आता है ऐसे पॉपिंग साउंड हमारे जॉइंट से। हेलो एवरीबॉडी, आई एम स्वीटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब कभी भी हम लोग अपने जॉइंट्स को एक सर्टेन वे में बेंड करते हैं तब उससे बबल रैप फोड़ने जैसा साउंड आता है। बट ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट के हिसाब से इसके पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है। लिगामेंट स्ट्रेच के वजह से हो सकता है, या फिर कुछ सीवियर केस में दोनों हड्डियों के आपस में टकराने का साउंड भी ये हो सकता है। बट सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन है कि हमारे जॉइंट्स में एक्चुअली में बबल बर्स्ट होता है, जिसके वजह से बबल रैप फोड़ने जैसा साउंड आता है। हमारे जॉइंट्स में दोनों हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस साइनोवियल फ्लूइड में बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब जब भी हम लोग अपने उंगलियों को या फिर कोई भी जॉइंट्स को बेंड करते हैं तब दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है। बट जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका अमाउंट तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बढ़ता है। तब क्या होता है, वहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है जिसके वजह से जो भी गैसेस उस फ्लूइड में डिसॉल्व था वो सब गैसेस बबल्स के आकार में फ्लूइड में आ जाता है, और बाहर के प्रेशर के वजह से जो बबल्स फॉर्म होता है वो ज़्यादा देर तक स्टे भी नहीं करता है, वो फूट जाता है। और तब भी ये पॉपिंग साउंड जो है वो हम लोगों को सुनाई देता है। कुछ कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से ये दो साउंड का मिक्सचर है, ये जो पॉपिंग साउंड सुनते हैं हम लोग, ये दो साउंड का मिक्सचर है। एक साउंड तो तब प्रोड्यूस होता है जब बबल फॉर्म होता है, और एक साउंड जब बबल बर्स्ट करता है। बबल्स को डिसॉल्व होने में लगभग 20 मिनट्स टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूसली जॉइंट्स को क्रैक या पॉप नहीं कर सकते हैं। बहुत कोई ऐसे भी है जो मानते हैं कि नकल पॉपिंग या फिर जॉइंट पॉपिंग से अर्थराइटिस हो सकता है, बट ये एकदम सच नहीं है। चलिए इस नकल पॉपिंग रिलेटेड एक स्टोरी आप लोग से शेयर करते हैं। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डोनाल्ड अंगर। बचपन में वो भी ये बात सुने हैं कि हाँ, नकल पॉपिंग से अर्थराइटिस होता है। तब वो सोचे कि चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सच में अर्थराइटिस होता भी है या नहीं। अब बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस, और जो चीज़ आप मना करेंगे वही चीज़ बच्चे सबसे पहले करते हैं। वैसे ही डोनाल्ड अंगर की मम्मी भी उन्हें मना की कि नकल पॉप मत करो, नकल्स को क्रैक मत करो, नहीं तो अर्थराइटिस हो जाएगा। बट डोनाल्ड अंगर किसी का बात नहीं सुने, वो अपने लेफ्ट हैंड के उंगलियों को कंटिन्यूसली 60 इयर्स तक क्रैक करने लगे या पॉप करने लगे, और 60 इयर्स के बाद भी उनका दोनों हाथ अर्थराइटिस फ्री था। तो इससे पता चलता है कि नकल पॉपिंग से अर्थराइटिस नहीं होता है। उनके इस डेडिकेशन के वजह से 2009 में उन्हें IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब नकल पॉपिंग से अर्थराइटिस नहीं होता है ये तो क्लियर है, बट बहुत सारे स्टडीज़ में ये पता चला है कि अगर आप कंटिन्यूसली नकल पॉप करते रहे तो आपके हाथों में स्वेलिंग हो सकता है, मतलब सूजन हो सकता है,
और आपका हैंड का जो ग्रिप है, हाथों का ग्रिप, वो भी लूज हो सकता है। नकल पॉपिंग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन क्या आपको पहले से पता था? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।